तो बच्चों आज हम अध्ययन करेंगे वर्ग के विषय में। ट्वेल्थ में इसमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है वर्ग के विषय में, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है किसी सेंटेंस में और इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो आप समझ ये जान लीजिए कि फाइनाइट वर्ब जो होती है अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होता है उसका, उस सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। ठीक है, जैसे फर्स्ट पर्सन का है या सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, जैसे आई का प्रयोग होगा तो साय क्रिया अलग लगेगी और वी का प्रयोग होगा तो सेम लगेगी, लेकिन अगर यू का प्रयोग होता है तो साय क्रिया बदल जाती है, या फिर सी का प्रयोग या ही का प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन का होता है तो बदल जाती है। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन इत्यादि के हिसाब से बदल जाती हो। ठीक है, और इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जिस पर अपने सब्जेक्ट के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसका आप नंबर या पर्सन या पूरे टेंस को जब चेंज करते हैं तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है। ठीक है, इसके हिसाब से इसके अलावा तुम ये भी समझ लो कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सेंटेंस में एक्शन को दर्शाती है कि ये एक्शन ये काम हो गया। इनफाइनाइट वर्ब जो होती है वो तुम्हें लगेगा कि इससे ये काम हुआ है पर वो काम हुआ नहीं है, उसके विषय में यही नहीं कह सकते ये काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास किया है, मैंने सेंटेंस लिया था मैं गाय खरीदने के लिए बाज़ार गया। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं मैं एक सब्जेक्ट है जिसने काम किया है गया यानी जाने का। ठीक है, और उसका बाज़ार जो जाने का काम है वो हुआ है, लेकिन उसने गाय खरीदी ये इसका मेंशन नहीं किया गया उसने। ये बताओ, अच्छा बच्चों गाय खरीद ली क्या उसने? नहीं, हम नहीं कह सकते मैं गाय खरीदने के लिए बाज़ार गया। अब खरीदी कि नहीं खरीदी इस विषय में अभी कोई बात नहीं कह सकते, तो ये बात पता है काम कौन सा किया जाने का ये किया है। तो इसमें कौन सा वर्ब है? गया जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है, और खरीदने, अच्छा उद्देश्य क्या है? बाकी में जो वर्ब उद्देश्य दिखाएगी ना वो ही होती है इनफाइनाइट वर्ब। तो मेरा बाज़ार जाने का जो काम हुआ वो काम का उद्देश्य क्या था? गाय खरीदना। तो ये जो के लिए जो लगा है गाय खरीदने के लिए, यही वर्ब जो होती है इनफाइनाइट वर्ब होती है। और इनफाइनाइट वर्ब को इंग्लिश में प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग। अगर आपके सेंटेंस का टेंस बदलता है या कुछ भी होता है सब्जेक्ट बदलता है तो आप फाइनाइट वर्ब को बदलेंगे, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं आएगा, सिर्फ ओनली फर्स्ट फॉर्म ही आएगा और उससे पहले टू का प्रयोग आपको करना ही करना है। जैसे मैं लिखा है, इसका मैं ट्रांसलेट करता हूँ, मैं गाय खरीदने के लिए बाज़ार गया, तो मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज काउ। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो आई मीन्स मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं, और गया यानी पास्ट का डेफिनेट टेंस है, तो वेंट का प्रयोग सीधे सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद में मैं संडेस, यहाँ से मेरा पूरा है मैं बाज़ार गया, तो मैं पहले मैं की, बाज़ार की, गया की, इनकी अंग्रेजी लगा लेता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ। गाय खरीदने के लिए ये एक्स्ट्रा हैं शब्द, तो इनको मैं बाद में लगाता हूँ, तो आई वेंट टू मार्केट, मेरा यहाँ तक का वाक्य पूरा हो गया, मैं बाज़ार गया। अब मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य जो था वो मैंने आगे लिखा है, खरीदने के लिए जो वर्ब है उससे पहले उसकी अंग्रेजी लगाई तो टू परचेस, क्या लगाएगी? टू परचेस, परचेस फर्स्ट फॉर्म है, टू परचेस। अब कौन सी चीज़ बची? गाय, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमने बाद में काउ उसकी अंग्रेजी लगाई है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा कि कैसे सेंटेंस का सब्जेक्ट बदलते हैं तो फाइनाइट वर्ब बदल जाती है पर इनफाइनाइट वर्ब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इससे ऊपर सेंटेंस लिया है, मैं गाय खरीदने के लिए बाज़ार जाऊंगा, ध्यान दीजिए मैं गाय खरीदने के लिए बाज़ार जाऊंगा। तो मैं इन दोनों सेंटेंस में हमने
शब्दों को मिलान करता हूँ, कौन कौन से शब्द बदले। मैं इसमें भी उसमें भी कॉमन है, गाय इसमें भी उसमें भी, खरीदने के लिए दोनों में है, बाज़ार दोनों में है, यानी इतने शब्दों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, सिर्फ फेरबदल हुआ है गया से जाऊंगा में। तो जब मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ तो आए के साथ में आप सेल गो का प्रयोग करते हैं क्योंकि फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ध्यान दीजिए, बेंट से हो गया सेल गो, अब बाज़ार उसमें भी है तो टू मार्केट, ठीक है, खरीदने के लिए तो टू परचेज, और गाय है तो काओ। तो इसमें आप दोनों सेंटेंसेस के हिंदी में और इंग्लिश में देख सकते हैं कौन से परिवर्तन हुए। तो आपने देखा यहाँ पे टू परचेज हमने पास्ट कंडेफिनेट टेंस था तब भी लगाया था, फ्यूचर कंडेफिनेट है तब भी लगाया है, यानी इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ सिर्फ बेंट से सेल गो में। तो बेंट और सेल गो ये जो मेरी वर्ब हैं वो हैं फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब हैं? और जो दोनों ये लगी टू परचेस ये इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है, समझ में आ गया। यानी सेंटेंस का टेंस बदलो, सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर बदलो, पर्सन बदलो, लेकिन फाइनाइट वर्ब ही फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट वर्ब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है।